नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा बहादुर, जा रहे हैं आप? आज फिर इतनी जल्दी? तुम अभी कमसिन हो दुलारी, इसलिए नहीं समझते कि प्यार की रात बहुत जल्द गुजर जाती। मैं कई दिनों से एक ही बात सोच रही हूँ। लोगों की रातें अंधेरी होती, मेरे दिन आप सूरज की आखिरी किरण के साथ आते हैं और पहली किरण के साथ चले जाते हैं। ऐसा मालूम होता है दिन की रोशनी से डरते हैं। हम डरते जरूर हैं दुलारी, मगर दिन की रोशनी से नहीं, बदनामी से। हम सोचते हैं कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ। इसमें बदनामी की क्या बात है? आपने मुझे अपनाया है और फिर यह आपका दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है, ये अंगूठी मौजूद है जो मुझसे पहले आपकी माता जी ने पहनी थी। ये सब झूठ है, ये तुम्हें अपना बनाना, ये तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी, सब झूठ है बहन, सब झूठ है। अगर सच है तो सिर्फ इतना कि एक राजा अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए रात को यहाँ आता है और सुबह अपने महल को वापस चला जाता है। दुलारी,
हम चलते हैं। राजा बहादुर, आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है, चिल्ला मत। ये लो अपनी इज्जत की कीमत। राजा बहादुर, आज आप यहां से अकेले नहीं जाएंगे, मेरी बहन भी आपके साथ जाएगी और आपकी दुल्हन बनकर। ये क्या हो गया भैया? ले जाओ इस खूनी कुत्ते को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं राजा बहादुर, मेरे भाई को पुलिस के हवाले न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ राजा बहादुर। लगता है तुम्हारे कहने पर इसने इतनी जुर्रत की, हम आइंदा यहां कदम नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं राजा बहादुर, आ थाने कपड़े धुलाई खाते चलते हैं कर्जे की गाड़ी पर और किसे उछालते हैं साहूकार बाबे पलटा रिक्शा। जय हो राजा बहादुर। खजांची जी, कौन है ये आदमी? आप ही प्रजा हूं सरकार, बेटी की शादी है, आप ही का आसरा। खजांची जी, इसकी बेटी की शादी में जो भी खर्च हो वो हमारे खजाने से दिया जाए। जो जय हो राजा बहादुर। जय हो। भाई बाप, 50,000 के गालीचे पर गंदे पांव लेकर आता है, चले जाओ यहां से। राजा बहादुर, क्या है खजांची जी? सेठ धनीराम आया था और बहुत देर तक बैठा रहा, हमने उसे रास्ते में देखा, रिक्शा में जा रहा था। वो कह रहा था मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो ना करे, उससे कहो जो करना है कर ले। गुस्ताखी माफ हो राजा बहादुर, वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मैंने तो हाथ जोड़े ताकि उसके सामने आपको आंख में झुकानी पड़े। ऐसा कब तक चलेगा राजा बहादुर? जागीरदारी खत्म हो चुकी, जागीरदार बाकी है, आमदनी रही नहीं, खर्चे वही बादशाहों के। ये बड़ी बड़ी मोटरें, दो दो घोड़ों की गाड़ियां, दरवाजे पर दरबान, कदम कदम पर नौकर। तो आप क्या चाहते? हम नौकरों को निकाल दें, घोड़े बेच डालें, मोटरें और गाड़ियां नीलाम करते हैं। ये सब हमसे नहीं होगा, हम बाहर उसी शान से जाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए अपने आप को इस चार दीवारी में कैद कर लेंगे, जैसे कि हमारे बहुत से दूसरे दोस्त कैद हैं अपनी इज्जत की चार दीवारी में। लेकिन ये सब आप नहीं समझेंगे खजांची जी, आपका जन्म जागीरदार घराने में नहीं हुआ। राजा बहादुर, आइए वकील साहब, क्या खबर लाए? खबर अच्छी नहीं है राजा बहादुर, मुकदमे का फैसला हमारे खिलाफ हो गया है, जमीन की डिग्री सौदागर मल को मिल गई। तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए आप कचहरी से दौड़कर यहां तक आए? मुट्ठी भर रुपयों के लिए हमारी हजारों एकड़ जमीन उस कमीने को मिल गई, ये इंसाफ नहीं अंधेर। वकील साहब आप जा सकते हैं, आपकी फीस आपके घर पहुंच जाएगी। जो हुक्म राजा बहादुर। गंदे जूते लेकर अंदर मत तुम। धनीराम जी, आइंदा जूतियां बाहर उतार कर आया करो। जैसा हुक्म सरकार। ये गलीचा 50,000 रुपए का है। जो नहीं अन्नदाता, अरे बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती है अन्नदाता। धनीराम जी, तुम भी हमें धोखा देने आए,
सौदागर मल की तरह तुम भी कचहरी चढ़ाओगे हम? भगवान का नाम लीजिए सरकार, मैं सौदागर मल जैसा कमीना नहीं हूँ। अरे मेरी सात पीढ़ियां इस जोड़ी के टुकड़ों पर पली है। सौदागर मल आपके बाप दादा की जमीन पर सूजी आटे का कारखाना खोल सकता है, लेकिन धनी राम ऐसा नहीं कर सकता। सरकार मेरी तो आधी जिंदगी जहां गुजरी है, बाकी जिंदगी भी आपकी जूतियों में गुजर जाएगी। मैं तो सरकार सिर्फ ये अर्ज करने आया था कि इस दस्तावेज की मियाद खत्म हो चुकी है। मियाद बढ़ सकती है। मगर सरकार सूद की तारीख भी तो गुजर चुकी है। खजांची जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप धनीराम का सूद वक्त पर अदा नहीं करते? पूछ लीजिए सरकार। गलती आप करते हैं, बदनामी हमारी होती है। अभी अदा किया जाए। बहुत बेहतर है। पान लागू सरकार। सरकार एक बात बोलूं? कहो। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बग्घी इस दास को झोपड़े तक छोड़ाएगी। प्रधानची जी, धनीराम के लिए किराए का रिक्शा मंगवा दीजिए। एक बात और याद रखना धनीराम जी, कल छोटे कंवर यहां आ रहे हैं जी, उनके सामने अव्वल तो इस जोड़ी में कदम नहीं रखना, और अगर भूले से आ भी जाओ तो सूद और मूल का किस्सा जबान पर नहीं लाना। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, छोटे भाई की नजरों में गिर नहीं सकते, समझे? भाई साहब, हम आ रहे हैं आपके पास। अरे बांके, हाँ ले इसे भी संभाल के रख दे। सरकार हाँ? अब तो घर पहुंच को बीन बजाने का प्रोग्राम कर डालो। बोला क्या मतलब? अरे सरकार शहनाइयां बजवा डालो, आप दूल्हा बनेंगे, मैं नाचूंगा, क्या सीन होगा। अरे नहीं बांके, हमसे पहले तो भाई साहब की शादी होगी, जिन्होंने हमें बाप की तरह पाला और माँ का प्यार दिया है। बस भाई साहब दूल्हा बने, घोड़ी पे बैठे, उनकी बारात निकले बाजे गाजे के साथ, और हम उसके सामने नाचें गाएं। बांके, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन वही होगा। अरे तो जल्दी लालो ना वो दिन। सरकार जल्दी लालो। आएगा आएगा, चलो। गर्मा गर्म बिस्तरा लगा दिया हूँ, मैं जाता हूँ अपने सर्वेंट अपार्टमेंट में। अरे बांके यार, तुम्हें पहले ही कहा था, तुम भी अपनी सीट हमारे साथ बुक करवा लेते, सफर में कंपनी तो रहती। सरकार मैं होता जो लिमिटेड कंपनी होती, अब प्राइवेट कंपनी मिल रही ना। क्या मतलब? आप वो घर को देखो, देखो 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 बोलो। कौन है बे? चांद का टुकड़ा है, और कौन है बे? सरकार अब रुकना, जाना मालूम जाता। नमस्ते बिमला जी। जी आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, पिछले दफा जब कश्मीर गया तो वहाँ जहाज में सीट मिली बिल्कुल आपके साथ आज की तरह, और उसके बाद डल लेक में हाउस बोट मिला तो वो भी बिल्कुल आपके पड़ोस में। बैठिए ना प्लीज बैठिए। आप देखिए कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बलखाती नदियाँ, नीली गहरी झीलें, और उन झीलों में बड़े बड़े खूबसूरत कमल के खेत, और उन खेतों में दूर दूर तक बहता हुआ हमारा शिकारा, जिसमें आप और मैं दोनों साथ में बिल्कुल आज की तरह। अच्छा, आपका वो शिकारा तो डूब गया था। अच्छा, और उसके साथ साथ आप भी डूब गए थे। जी हाँ। कमाल है, आप डूबे वहाँ और निकले इस डब्बे में से। देखिए ना, कमाल है ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कश्मीर कभी नहीं गई। जी आप कभी कश्मीर नहीं गए? जी नहीं, मैं कश्मीर कभी नहीं गई। नहीं गई? आप होता गुस्सा करती है मैम साहब, कश्मीर तो मैं भी कभी नहीं गया। तो झूठ मूठ इतनी लंबी चौड़ी कहानी को बना रहे थे आप? जी कहानी वो कहानी से कहानी की जरूरत तो पड़ती है मैम साहब, आप जिंदगी को लीजिए, चंद झूठी कहानियाँ, चंद झूठे वो सपने, चंद झूठी उम्मीदें, अगर ये ना हो तो जिंदगी क्या है? जैसे जिंदगी काटने के लिए चंद झूठी उम्मीदों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह सफर काटने के लिए चंद झूठी कहानियों की जरूरत पड़ती है। ये क्या ख्याल है आप सुनना चाहते हैं? फरमाइए। आप एक बहुत बड़े बोर है, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने भी मुझे बोर कह दिया, शायद अगले स्टेशन तक चोर कह दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, सफर कट जाएगा। hmm.
ओफो, बला की गर्मी है साहब। प्रेम साहब, आप अगर इजाजत दें तो मैं ये खिड़की खोल लूं। अपनी तरफ की खोल लीजिए। जी हाँ, आप अपनी तरफ की खोल लीजिए। उधर से हवा इधर आएगी, इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी, क्रॉस विंड। अब कुछ बात बनी। खाना खाएंगी आप? जी नहीं। नहीं? ठीक है साहब, हम भी नहीं खाते। ये मैगजीन पढ़ेंगी आप? मत पढ़िए, मत पढ़िए, हम भी नहीं पढ़ते। गुड नाइट। कल सुबह जरा जल्दी जगा दीजिएगा मुझे। गाड़ी छोड़ने से पहले आपको एक बहुत अच्छा भजन सुनाऊं। राजा बहादुर, आप यहां? ये बैंड, ये फूलों के हार, ये लोग, क्या कोई गवर्नर आ रहा है? जी नहीं, हमारा छोटा भाई आ रहा है। सूरज, आप कैसे तशरीफ लाए? मेरी बेटी रेखा भी इसी गाड़ी से आ रही। ओ, तो समझ लीजिए हीरा लाल जी कि ये बैंड, ये फूलों के हार आपकी बेटी रेखा के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हूं। आओ बेटी, चलिए। सूरज, सूरज बोली तुम। पिताजी, आप कैसे हो? पिताजी कैसी हो? अरे रणबीर, तू? हाँ। और ये पुलिस की वर्दी किराए पे लाया है क्या? किराए की नहीं है, सरकार ने दी है। हा? अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, हाँ। मुबारक हो भाई, मगर ख्याल रखना कहीं अटकड़ी हमें नहीं लगा देना। क्यों? अरे भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि इन पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। आओ। और भाई साहब कैसे हैं आप? ये सब क्या है पिताजी? ये बैंड, ये बाजा, ये साहब है कौन? राजा बहादुर है, अपने छोटे भाई को लेने आए। छोटे भाई? ये तो पूछते दिए कि लो है बेटी, तुमने राजा बहादुर की शान का जमाना नहीं देखा, हाथी झूलते थे इनकी देवड़ी के बाहर। चलिए चलो। तुझे अमरी सेठ बहुत पसंद है ना? जहाज से कश्मीर से मंगवाए। लेखा नहीं भाई साहब, पहले आप खाइए। अरे जब तक तू नहीं खाएगा हमारे हलक के नीचे कैसे उतरेंगे? लेखा भाई साहब, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। शौक से मैं इंजीनियरिंग पास करके आ गया हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्कशॉप खोलूं। क्या कहा, वर्कशॉप तुम खोलोगे? हमारे भाई राजा विक्रम सिंह के बेटे, अब यहां के राजे लोहार का काम करेंगे। लोहार की दुकान नहीं भाई साहब, वर्कशॉप खोलना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, हमारे लिए दोनों एक है।
फिर आपने मुझे कॉलेज क्यों भेजा, इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई? इसलिए कि हर आदमी को कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है, वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग। हमारे लिए पढ़ाई वक्त काटने का एक तरीका है, रोटी कमाने का जरिया नहीं। हमारे जैसे लोग हाथ का काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, राज करने के लिए पैदा हुए। लेकिन हम राज करेंगे कहाँ, किस पर करेंगे? जमाना बदल चुका है भाई साहब, मगर हमारा दिमाग नहीं बदला। इसलिए नहीं बदले कि हमारा खून नहीं बदला, हमारी खानदानी शान नहीं बदली। ये हाथ दुश्मनों से लड़ने के लिए उठे भी हैं, दूसरों की मदद के लिए बढ़े भी हैं, लेकिन रोटी के लिए कभी फैले नहीं। जिन हाथों ने सदियों तलवार चलाई हो, वो हाथ खेतों में हल या कारखानों में हथौड़े नहीं चला सकते। हमने सैकड़ों बरस हिंदुस्तान की तहस को अपनी तलवार का पानी पिलाया, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, हमारे खानदान का नाम किसी कारखाने के साइन बोर्ड पर नहीं लटक सकता, समझे? आइंदा कभी ऐसी छोटी बात सोचना भी नहीं। राजा बहादुर, क्या है खजांची जी? गुस्ताखी माफ हो, सौदागर मर गई। जयराम जी, आइए आइए सौदागर मर गई। आप हमें कचहरी का फैसला दिखाने आए हैं, आप हमें ये बताने आए हैं कि आजकल लोक राज में किस तरह एक दाल चावल बेचने वाला एक जागीरदार के सीने में फतेह का झंडा गाड़ सकता है? राजा बहादुर, मैं कोई झंडा वंडा गाड़ने नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के ये अर्ज करने आया हूँ कि अदालत में भले ही मुझे डिग्री मिल गई, लेकिन जिस तरह आप जमीन के पहले मालिक थे, वैसे आप अब भी बने रहे। मैं चाहता हूँ कि उस जमीन में एक फ्लोट मिल खोली जाए, जिसमें आप और मैं बराबर के हिस्सेदार हों, और अगर ऐसा हो जाए तो अपने कुंवर साहब को भी बाहर नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौदागर मर, हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे, पार्टनरशिप की बात तो ना वो हो सकती है और ना होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते। दुनिया बदल गई है राजा बहादुर। वो तो हम भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, इसीलिए तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई कि यहां तक चले आए, हमें आटे दाल की चक्की का पार्टनर बनाने। आपको तो वक्त ही समझाएगा राजा बहादुर। चला जा, चला जा यहां से सौदागर मल। अगर तू इस वक्त हमारे घर ना आया होता तो हम तेरे साथ क्या सलूक करते, ये हम भी नहीं जानते। चला जा। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।